आज हम लेके आए हैं एंजेलिक कार्ड गाइडेंस फॉर द ट्विन फ्लेम्स एंड एनी अदर पर्सन हु इज वॉचिंग माई वीडियो दिस टाइम। हाय, मैं हूँ ऋतु ओम फ्रॉम ट्विन फ्लेम कोच डॉट कॉम। और मैं हूँ परम, और आप मेरी इंटरप्रिटेशन जानेंगे इस गाइडेंस के रिलेटेड इस वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या गाइडेंस है हमारे लिए। तो जो कि मैं कार्ड देख पा रही हूँ, सबसे पहले यही डिपिक्ट कर रहा है कि आजकल जो कंडीशन चल रही है वो बड़ी पीसफुल चल रहा है, कोई ज़्यादा एनर्जी अप डाउन नहीं चल रही है, वेरी सूदिंग एनर्जी चल रही है। जो लोग अपने पे इनर वर्क कर रहे हैं वो एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं कि उनके अंदर अब एक ठहराव आ गया है, उनको जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आपको अब ज़्यादा परेशान नहीं कर रही हैं। तो आप उनके साथ एक अलाइनमेंट पे आ चुके हैं जिसमें कि आपकी समझ इतनी डेवलप हो गई है कि आप अपनी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं और बड़ी पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जिसमें कि आपकी लाइफ में क्या कमियां हैं वो पता लग रही हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में अबंडेंस की कमी है, वो चाहे पैसे की हो, शांति की हो, या कुछ उन्होंने चाहे करियर में आगे बढ़ना है या किसी भी और चीज़ को लेके, जहाँ पे कि आपको लग रहा है कोई फ्लो रुका हुआ है या कम है, तो जिसको हम एक ओवरऑल नाम दे देते हैं अबंडेंस। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ में अबंडेंस की कमी है तो वो चीज़ जो है आपके पास आ जाएगी, वो अगर आप डिवाइन पे बिलीव रखेंगे और अपना जो कर्म है वो करते चले जाएंगे। क्योंकि अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने ऊपर फेथ रखना पड़ता है और डाउट को बिल्कुल लाइफ में नहीं आने देना होता है। और अगर क्योंकि इस समय जो सिचुएशंस है वो आपके साथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो अगर अपने आप को इतना अपलिफ्ट कर लेंगे और अपने पे विश्वास रखेंगे और बिलीव करेंगे कि आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं, तो अबंडेंस की कमी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। नेक्स्ट बड़ा ही बहुत ही फेवरेबल कार्ड है उन लोगों के लिए जो कि मैरिज के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा चल रहा है तो आपके साथ डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स हैं, ये समय है कि आप इसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपने जो अपने ऊपर काम किया है, आपके सिचुएशंस ऑलरेडी ऐसे बन चुके हैं कि आप दोनों की टाइमलाइंस इकट्ठी होती जा रही हैं, और कुछ लोग जो ऐसी सिचुएशंस में हैं जिनके लिए कि मैरिज सिस्टम एक पॉसिबिलिटी है, तो वो मैरिज को कंसिडर कर सकते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। नेक्स्ट है, अगर हम एक ओवरऑल व्यू लें तो वो ये है कि और ये मैसेज भी हमें आर्कएंजल माइकल की तरफ से है, इसलिए आज मैं डिफरेंट स्प्रेड नहीं देखूंगी आर्कएंजल माइकल का, क्योंकि इसी में हमें उनका मैसेज मिल गया है कि अगर आपको हिम्मत की ज़रूरत है किसी चीज़ को करने के लिए, तो राइट नाउ अगर आप वो स्टेप लेंगे तो आप में ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप में इतना करेज आ गया है कि आप कोई भी स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप इनर वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपने ट्विन से बात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हिम्मत जुटाएं। आपके साथ इस समय एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो आपके अंदर आप एक बार डिसीजन लें कि वो करना है, हिम्मत अपने आप में आ जाएगी। जो आपने हिम्मत दिखानी है या करेज दिखाना है वो उन चीज़ों में दिखाना है जो कि आपको आपके डिवाइन पर्पस के साथ अलाइन करें। जैसे कि मान लीजिए आप स्टार्ट करना चाहते हैं कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, या अपने ऊपर इनर वर्क करना चाहते हैं, या इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके लिए आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, तो आप वो ले लीजिए, उसमें आपको पूरी सपोर्ट रहेगी। क्योंकि ये चीज़ें आपको अल्टीमेटली आपके जो स्पिरिचुअली गवर्न जो लाइफ का पर्पस है, ये आपको उस तरफ लीड करने में हेल्प करेंगी। तो जो हेल्थ कार्ड हमारे पास हमेशा आते हैं, हीलिंग कार्ड जो होते हैं, हीलिंग और ओरेकल कार्ड्स हैं, इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक हमें मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, यानी कि आप कोई भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अभी रिकवर कर गए हैं, तो आपको यूनिवर्स को थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड की इम्पॉर्टेंस इस बार आई है हमारे पास कि हमें हर होने वाली चीज़ के लिए हमारा जो ग्रैटिट्यूड का भाव है वो हमने ज़रूर देना है। और स्पेशली जब भी आपकी अगर प्रेयर्स आंसर हो रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने जो भी आप मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उस समय, या जनरली भी एक इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें कि आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं, और एक ग्रैटिट्यूड ऑफर करें। एनर्जीज अलाइंड है, इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ ब्रीफली इतना मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा में, अपनी एनर्जी में आ गए हैं। जो एनर्जी
आपकी एनर्जी को ओवरपावर कर रही थी, वो जिसे कहते हैं हम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, कलेक्टिव एनर्जी या आसपास के लोगों की थिंकिंग, ये सारी एनर्जीज इस समय आपको परेशान नहीं कर रही हैं। ये एक अच्छी स्थिति है, इसका बेस्ट उपयोग कीजिए अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए। और इस समय को नोट करके रखिए कि कैसे आप आगे भी इसी तरह की एनर्जीज में रह सके। जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं जिनकी वजह से ये एनर्जी मेंटेन हो रही है, उनको करते रहिए, और भी अगर कुछ सीखने की जरूरत है तो उस रास्ते पर आगे बढ़िए। बस यही आप कर सकते हैं अपने आप को हमेशा अपलिफ्टेड एनर्जी में रखने के लिए। अबेंडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है डाउट, यानी कि आप खुद ही अपनी अबेंडेंस के दुश्मन हैं जब आप ये डाउट करने लग जाते हैं कि जो आपने मैनिफेस्टेशन डाली है वो मैनिफेस्ट होंगी या नहीं होंगी। मेरे को तो आज तक कभी इतने पैसे मिले ही नहीं, तो मेरे को अब कैसे मिल जाएंगे। जब हम ऐसे डाउट्स डालने शुरू कर देते हैं, या मैं तो कभी खुश हुआ ही नहीं, या मैं जब भी खुश होती हूँ तो कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है और सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। जब तक हम इन विचारों को, इन कंडीशनिंग को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, हमारी मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि अगर ऐसा कोई भी डाउट या ऐसा कोई भी ख्याल हमारे दिमाग में आ रहा है तो उसे क्लियर किया जाए। जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं क्लियर एंड ट्रांसम्यूट, यानी कि उस ऊर्जा को बदल दिया जाए जो कि आपको अबेंडेंस या अपनी मैनिफेस्टेशन कराने से रोक रही है। मैरिज का एक और भी मतलब होता है, और वो होता है यूनियन। एक सोल प्लेन पे यूनियन, एक स्पिरिचुअल प्लेन पे यूनियन। इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपने जाके शादी कर ली किसी के साथ। जब हम किसी को मेंटली भी कमिट कर देते हैं तो दैट इज आल्सो कॉल्ड मैरिज। तो अगर इस समय मैरिज के लिए फेवरेबल टाइम है तो आप किसी से मेंटली भी कमिट कर सकते हैं कि मैं इसमें आने के लिए तैयार हूँ। डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए करेज की बहुत जरूरत पड़ती है। कई बार डिवाइन लाइफ पर्पस ऐसा होता है जो कि सोसाइटी के लिए एक आम सी बात नहीं होती, तो उस कंडीशन में आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होते हैं जिनको कि नॉर्मली अपोज किया जाता है आपकी सोसाइटी के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा। हमने एक वीडियो में ये भी बात की थी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आपको करेज दिखाने की जरूरत है या अपोजिशन है, तो उसमें हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ते हैं। एक छोटा स्टेप और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं अपने जो भी आपने मिशन सेट किया हुआ है, चाहे इसमें कोई अपोज कर रहा है या जो भी है। और धीरे 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 लोगों की मेंटेलिटी चेंज होनी शुरू होती है और आप इसको अकम्प्लिश कर लेते हैं। लेकिन करेज इसमें फिर भी चाहिए, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने के लिए, बजाय कि आप सब कुछ छोड़ के बस बैठ जाएं कि ठीक है मैं ये करता ही नहीं हूँ। और फाइनली ग्रेटिट्यूड का क्या उपयोग है, हम इसके बारे में बस एक छोटी सी स्टोरी से जानेंगे। एक बार एक हंस रेगिस्तान के ऊपर से जा रहा था, उसको कॉल आई थी स्वर्ग से कि आओ भाई स्वर्ग आके विजिट करो। तो जब वो जा रहा था तो उसने देखा एक पंछी रेगिस्तान में तड़प रहा है, प्यासा है, उसके पंख भी जल गए हैं और वो हिलने की स्थिति भी नहीं है। तो जाते जाते उसने उस पंछी से पूछ लिया कि बता तुझे क्या हुआ है। तो वो पंछी बोला कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, लेकिन कई सालों से मैं इस तड़पन से गुजर रहा हूँ। जब हंस ने बताया कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, तो उस पंछी ने बस ये रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए भी पता करके आना कि मेरी ये तड़पन कब खत्म होगी। तो हंस अपने रास्ते पर चला गया और स्वर्ग पहुंचा। उसने स्वर्ग को एंजॉय किया और उसने ये भी सवाल पूछा कि ये इस पंछी के साथ इतनी हो रही है तो ये कब तक होगी। तो वहां से उसे यही जवाब मिला कि क्योंकि ये अपने कर्म भोग रहा है, उसको फास्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि ये भगवान का शुक्रिया अदा करता रहे। जिसमें से भी ये गुजर रहा है, अगर ये शुक्रिया अदा करता है, तो वही चीजें जो 2 साल में घटनी है वो 2 दिन में या 10 दिन में निपट जाएंगी और ये फ्री हो जाएगा। हंस ने यही सेम मैसेज जाके उस पंछी को दे दिया और वो अपने रास्ते चला गया। फिर से कुछ सालों बाद वो हंस वहां से निकला तो उसने देखा वो पंछी बिल्कुल हट्टा कट्टा और उसके पंख भी आ गए हैं और पानी भी पी रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो हंस ने उससे जाके ये पूछा कि भाई तूने ऐसा क्या किया कि तेरा सब कुछ ठीक हो गया। तो उस पंछी ने हंस को ही शुक्रिया अदा किया कि भैया तूने ही तो मुझे बताया था कि भगवान का शुक्रिया अदा करो, अब जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो कि मुझे चोट लगती है या भूख लगती है या खाना नहीं मिलता है, तो मैं बस भगवान को यही कहता हूँ कि तेरा शुक्रिया है, ये भी तेरी मर्जी है, तेरा शुक्रिया है। और इससे क्या हुआ कि मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो गया और अपने रास्ते पे आगे बढ़ गया। तो इस छोटी सी स्टोरी से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड क्या है। आप अभी जो भी आपको मिल रहा है, ये वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं या ट्विन फ्लेम्स पे इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये सारा भी तो डिवाइन ही कर रहा है आपके लिए। अगर आप इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे तो ये और आएंगी आपके सामने। अगर आप इसे डाउट ही करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो भी बेचारे थक जाएंगे जो गाइड्स या एंजल्स हैं, और वो भी फिर चुप कर जाएंगे कि ठीक है इसको इस जन्म में तो समझ आनी नहीं, अगले में करेंगे कोशिश। तो ये आपके हाथ में है कि आप इन चीजों को और अट्रैक्ट करना चाहते हैं या आप इनसे हटना चाहते हैं। अगेन करेज की बात आ जाती है, अगर आप
करेज दिखाते हैं, तो ये जो आपको इस समय असंभव लग रहा है या ये जो डाउट्स हैं, ये सब गायब हो जाएंगे अगर आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अगर आप सिर्फ ड्रीम करते हैं और स्टेप्स नहीं लेते हैं तो कुछ नहीं होता है, अगर आप ड्रीम के साथ स्टेप्स भी लेते हैं तो वो सब होता है जो आप चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बार की गाइडेंस और उसकी इंटरप्रिटेशन से जो भी आप समझ पाए हैं वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई प्राइवेट ट्रेडिंग चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी सी यू नेक्स्ट टाइम।